कांग्रेस नए स्वरूप में मजबूती के साथ वापस लौटेगी और आम जन के विश्वास को जीतेगी, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का। पायलट इंडियन नेशनल कांग्रेस के 130वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वहीं इस दौरान पायलट ने कार्यकर्ताओं को शपथ भी दिलवाई कि वो पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। स्थापना दिवस पर जयपुर कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके साथ ही प्रदेश मुख्यालय पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ चंद्रभान सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने माना कि उनके सामने नई चुनौती है, लेकिन चार साल में जनता के बीच जाकर और जनहित के मुद्दों और कार्यकर्ताओं को एक कड़ी में लेकर नए स्वरूप के साथ मजबूती से वापसी करेंगे। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है और आप सभी जानते हो कि पूरे विश्व में दूसरी सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी है और 130 साल का गौरव वाला इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा। तमाम उतार चढ़ाव इस पार्टी ने देखे हैं और हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी उन लोगों ने भारत को आजादी दिलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज के परिप्रेक्ष्य में हम सब कांग्रेसजनों के लिए एक नई चुनौती सामने आई है। देश भर में और राजस्थान के अंदर हम सब लोगों को सतर्क रहना होगा और आम जन के ऊपर, आम मतदाता के ऊपर जिन संकट के बादलों की आशंका हमको थी, आज वो पूरी तरह छाए हुए हैं। और राजस्थान में विशेष रूप से प्रत्येक कांग्रेसजन ने प्रतिज्ञा ली है कि आने वाले चार साल तक हम लोगों के बीच में रहकर उन ज्वलंत मुद्दों को उठाएंगे, सड़कों पर उनको रेखांकित करें। हम सबको गर्व है कि हम कांग्रेस सिपाही हैं और असली परीक्षा की घड़ी अब है कांग्रेसजनों के सामने, जब चुनाव हो चुके हैं केंद्र में भी राज्यों में भी। तो जो कांग्रेस का जो इतिहास रहा महान, 65 साल में जो कुछ देश दिख रहा है, जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी, आज यहाँ पर सब कुछ बन रहा है।